मैं इस मशीन के ऊपर बैठा हुआ हूँ। और भाई ये प्लास्टिक है ये। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोनू के व्लॉग्स। तो गाइस, कल मैंने आपको गौशाला का व्लॉग दिखाया था, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब आपको कैसा लगा पता नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी मैं आज आपको लेके आया हूँ कहाँ पे, यहाँ पे होता है गाइस मछली पालन। मछली पालते हैं, मतलब मेरे गाँव से 3-4 किलोमीटर दूर है। किसी से पूछे तो कोई है नहीं इधर, क्योंकि ये बंद कर रखा है और ये काफ़ी टाइम से मेरे को लगता है कि भाई बंद ही है। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं सामने इधर सड़क है और यही इसका रास्ता है, बस यही मेन गेट यही है। इधर से इधर आओ और फिर इसके अंदर घुस जाओ, ठीक है? तो अभी गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ पीछे वाले कैमरे से, क्योंकि तो यहाँ से हम इंटर हुए थे, ठीक है? और ये वो रूम है जिसमें इधर जो मछली पालन करते हैं वो रहते हैं इस रूम में, ठीक है? और वो सामने वाले पे लॉक लगा है क्योंकि अभी इधर कोई है नहीं, बंद पड़ा है ये, और उधर भी लॉक लगा है। और ये भाई साहब आए हैं हमारे साथ, ठीक है? और ये पानी का कुआं है, इसमें पानी है या नहीं पता नहीं, खोल के देख लेते हैं, पड़ा है इसमें भी। और ये इसके ऊपर हेडपम्प का कुछ जुगाड़ कर रखा है, ठीक है? इसको ऐसे ऐसे करने से मतलब पानी निकलेगा अभी देख, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ जुगाड़ कर रखा है। और ये यहाँ पर घड़ा पड़ा है पानी पीने के लिए, और इधर बिजली की व्यवस्था कर रखी है। ये सामने जनरेटर है और इधर ये डीपी वगैरह लगी है, ये जुगाड़ आप देख सकते हैं, ठीक है? ये स्पेशल इसी के लिए, मछली पालन के लिए। और इधर एक नाला है भाई, ये देखिए आप, यहाँ से पानी निकल रहा है। मेरे को लग रहा है जो वेस्ट पानी है वो निकल रहा है, और इस साइड से आ रहा है, पता नहीं ये वाल वगैरह है कुछ तो साइड से, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर लेके चलूंगा, ये तो बाहर का सीन है। और उधर भी एक नल लगा है, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, इधर से कुछ नहीं आ रहा। सामने रोड है इधर, ये आप देख सकते हैं, अभी अभी बाइक निकलेगी इधर से, ये सामने रोड है। ये यहाँ पे वेस्ट पड़ा है कुछ कचरा वगैरह, ठीक है? और ये पड़ा है बिल्कुल खाली, इधर ये कुआ है और ये खाली पड़ा है। लगता है कि यहाँ भाई पानी इकट्ठा किया जाता होगा, अब पता नहीं क्या है, वहाँ तक फैला हुआ है उस कोने से लेके और उधर तक। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर, तो हमने गेट खोल दिया है, यहाँ पे कोई नहीं है देखने वाला, और अगर कोई आ भी गया तो भाई फिर हमें नहीं पता। ये है पहला, इससे आगे फिर एक और है, दो, फिर उसके आगे उसके साइड में उधर एक और है, तीन, और एक ये चार, ठीक है? तो ये सूखा पड़ा है, इसमें पानी भरा है अभी भी, शायद इसी का पानी निकल रहा है उस नलके से उधर की तरफ। और ये है मशीनें, इनसे क्या होता है मुझे तो पता नहीं भाई, पर ये भी कुछ काम की हैं, प्लास्टिक की। मैंने सोचा लोहे की है पर ये तो प्लास्टिक की है। उधर सामने भी रखी हैं, वो रखे सामने, अभी उधर भी चलेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। ये इसके बीच में रास्ता है, दो इधर है, चार हैं, और चारों के बीच ऐसे रास्ते बना रखे हैं चारों तरफ। उधर वो मशीन रखी है, और एक मशीन उधर आगे भी रखी है, एक मशीन ये रखी, ठीक है? और ये यहाँ पे रस्सी पड़ी है इधर, और पीछे भी रस्सी पड़ी है उधर। अभी चलते हैं इधर आगे, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, आप देख सकते हो किनारे पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, और अजीब सी स्मेल भी आ रही है, पता नहीं कैसी। इधर खड़े होंगे तो हम इन चारों के बीच में खड़े होंगे, ठीक है? और इधर पड़ा है काफ़ी कुछ, ये नलका पड़ा है, उधर मशीनें पड़ी हैं, उधर सामने भी मशीनें पड़ी हैं, और भाई देखो इसे, मतलब इनसे क्या होता है मुझे नहीं पता, ये किस काम की है।
पर इधर ये हर तरफ मशीनें ही मशीनें पड़ी हैं, और इधर ये केबल पड़ी है, ये पड़ी है रस्सियाँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक इधर पड़ी है 10, इसे बोलते हैं तिरपाल। और ये सारे में लगा, इतना बड़ा तिरपाल है, देख रहे हो आप, वहाँ से फिर यहाँ तक इतना बड़ा है। और ये 3 नंबर वाला है, ये खाली पड़ा है, और ये 4 नंबर है, ये भी खाली पड़ा है। सिर्फ इस एक में पानी है गाइस, सिर्फ इसमें देख सकते हैं आप। और ये पता नहीं क्या कुछ सिस्टम है भाई, तार वगैरह जोड़ रखे हैं, और वो सामने भी मशीन रखी है, उधर मोटर रखी है। चलो उधर चल के आते हैं, एक मिनट, ये है मोटर, ये देखो आप देख सकते हो, ठीक है, अब इधर से चलते हैं वहाँ तक। और ये देख सकते हो आप कितनी गंदगी है इसके अंदर, ये शायद ये एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि खाली किया जा रहा है पूरा, और फिर बोरिंग से इनमें वापस पानी डाला जाएगा, और फिर नई मछलियाँ लेके आई जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है सही है कुछ, ठीक है। और इस कोने पे भी मशीनें पड़ी हैं भाई, ये मशीनें हर तरफ पड़ी है, ये आप देख सकते हो, क्या काम किए मुझे नहीं पता। इससे शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लहर बनाने के लिए है, पानी के अंदर लहर बनाने के लिए, ठीक है। और इधर आगे कोने पे भी मशीन रखी है, ये रखी। अब हम इधर से चल के और उधर चलते हैं, वहाँ पे वो जो मशीनें पड़ी है वहाँ पे, ठीक है। और ये चारों तरफ ये तारबंदी कर रखी है, देखो ऐसी जालियाँ लगा रखी है चारों तरफ, ये पाइप लगा रखा है, और ये भी पानी निकालने के लिए, ये देख सकते हो आप, इधर फिर पानी निकाला जाता है, ठीक है, जो गंदा पानी होता है वो। और ये देखो आप, इस कोने पे भी मशीनें रखी हैं काफ़ी, मतलब ये भाई हर कोने पे रखी है ये मशीनें, ज़रूर कुछ ना कुछ जो मेन जो काम है ना इसमें वो इन्हीं मशीनों का है, तभी ये इतनी सारी रखी है, हर कोने पे मशीनें रखी है, 1 2 1 2। और इधर आप देख सकते हैं ये गंदा पानी निकाला हुआ है इन्हीं का, ये देखो आप वहाँ आगे तक, मतलब मछली पालन करें तो भाई बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होगी हमें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हवा चल रही है गाइस थोड़ी, उसके लिए सॉरी। ये देख सकते हैं, ये देखो ये सामने इस नलके से पानी निकाला हुआ है, और भाई इतनी गंदी बदबू आ रही है ना पूछो मत। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस मशीन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और भाई ये प्लास्टिक है, ये देखो आवाज़ें सुनाई दे रही होगी आपको, ये पता नहीं क्या जुगाड़ है भाई साहब, मुझे तो पता नहीं, मैं एक बार भी नहीं आया, पहली बार आया हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर ये चालू होता तो मैं उनसे पूछता कि भाई ये मशीनें किस काम की है, मतलब एक रिव्यू हो जाता अच्छा खासा। दबा के लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, आगे भी इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अभी तो ये मेरा शायद 1 2 3 4 व्लॉग है, तो अभी के लिए ठीक ठाक हो रहा है भाई, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ वो बात अलग है, ठीक है भाई। यहाँ बस यही एक चीज़ है देखने के लिए, ये सिर्फ ये पानी पड़ा है, ये और ये भी गंदा पानी है, और कुछ नहीं है बस। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में वापस, तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मोनू के व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राम राम जी।